भरनो प्रखंड के वन टोली गांव में एक जंगली हाथी की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। गांव के किसान के द्वारा अपने खेतों के चारों ओर बिजली तार लगा दिया गया था, जहां करंट प्रवाहित था और उसी करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। पूर्व में भी इसी जगह पर एक हाथी बिजली की करंट से मर गया था। ये दूसरी घटना है कि बिजली की करंट से हाथी की मौत हुई है। यहां इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि वन विभाग कितना लापरवाह है। एक महीने से इस क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात जारी था। ग्रामीणों द्वारा लगातार वन विभाग से हाथियों को भगाने की मांग की जा रही थी, परंतु वन विभाग के द्वारा सूचना मिलने के बावजूद इस क्षेत्र से हाथियों को भगाने में तनिक भी प्रयास नहीं किया गया। इसका खामियाजा है कि इस क्षेत्र में दूसरी घटना है कि हाथी से अपने फसलों को बचाने के लिए मजबूरन किसानों के खेतों में बिजली करंट दौड़ाना पड़ता है, और आज फिर से एक हाथी की मौत बिजली के करंट लगने से हुई है। वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है और आज फिर से वन विभाग के कर्मी एरिया देखकर मृत हाथी की विधिवत दफना के चले जाएंगे और अपने कानों में तेल डालकर सो जाएंगे। मैं वन क्षेत्र पदाधिकारी जॉन रॉबर्ट टिर्के, गुमला प्रक्षेत्र, गुमला वन प्रमंडल। आज सवेरे प्रातः 5:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि भरनो प्रखंड के वन टोली जंगल के किनारे एक हाथी मृत पाया गया। तत्परता हम लोग सभी कर्मचारी, वनरक्षी, फॉरेस्टर सब मिलके हम लोग तत्काल पहुँचे घटनास्थल पर, तो देखा कि एक हाथी मृत पड़ा है। आसपास के लोगों से पूछने, तहकीकात करने पर पता चला कि करंट से मृत्यु हुई है हाथी की। अंथोनी लकड़ा, गुमला फॉरेस्ट में हम हैं अभी, हर एरिया मेरा ही पड़ता है। इसमें हम मुझे सुबह 6:30 बजे यहाँ के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि आपके एरिया में एक हाथी मर गया है। इसके बाद मैं तुरंत अपने वनरक्षियों को एकत्रित करके तुरंत सबों को लेकर घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर पहुँचने के बाद हाथी का निरीक्षण किया तो उसमें ऐसे प्रेरित हो रहा है कि वह बिजली तार से मारा गया है। इसलिए इस हाथी का भी हम पशु चिकित्सालय डॉक्टरों को बुलाए हैं, इसका पोस्टमार्टम होगा, इसके बाद ही हम इसका कार्रवाई करेंगे, आगे की भी कार्रवाई करेंगे। इसमें जो भी दोषी है, दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम जेल भेज कर ही रहेंगे। हम यहाँ पर बार बार हम आ रहे हैं, यहाँ से पब्लिक से भी पूछा जा सकता है, पब्लिक भी बोल सकता है, हम आते हैं नहीं आते हैं। यहाँ का वन समिति का अध्यक्ष आप पता कर लीजिए कि हम हर समय हाथी जब भी आता है फटेका देते हैं, टॉर्च देते हैं, हर एनी टाइम हम यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। ग्रामीणों ये आरोप लगा रहे हैं कि विभाग सुस्त है। ठीक है कि पब्लिक तो लगाएगा ही, मान लिया हम तो बराबर आ रहे हैं। अगर यदि आपको विश्वास नहीं है तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि वन समिति का अध्यक्ष आप इसके विषय में पूछताछ कीजिएगा तो आपको सही। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।